सिर्फ इस एक खाद के मदद से आपके गुड़हल में इतना ज्यादा फ्लावरिंग होगा, इतना ज्यादा कलिया आएगा, आप गिन के उसे खत्म नहीं कर पाओगे। दोस्तों हेलो, दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं हूँ तुषार और मेरा चैनल प्लांट केयर टिप्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गुड़हल में ऐसा कौन सा जैविक खाद हम लोग यूज़ करेंगे ताकि उसमें ढेर सारे फूल हम लोग पा सके और ये जैविक खाद इजीली हम सभी के घर में अवेलेबल होता है। दोस्तों इस जैविक खाद को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे अपने पौधे में यूज़ करेंगे ताकि इसका सबसे अच्छा बेनिफिट हमको मिल सके, बहुत ज़्यादा फूल पाने के साथ साथ पौधे का हेल्थ भी बहुत अच्छा रह सके, ये सभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों इस चैनल पर प्लांट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखने की कोशिश करो। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों गुड़हल में ज़्यादा फूल पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। कुछ ऐसे केयर टिप्स फॉलो करके एंड कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करके आप अपने पौधे में ढेर सारे फूल ले सकते हो। मैं आप लोगों से फर्टिलाइज़र एंड केयर टिप्स दोनों ही शेयर करूंगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट को ठीक से केयर करना। अगर ठीक से केयर आप लोग अपने पौधे की नहीं करोगे तो आप लोगों को ठीक से फूल भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आप चाहे कितना भी खाद प्लांट में डाल दो, इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ केयर टिप्स शेयर करूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है आपके पौधे के लिए। फिर आपसे ऐसा एक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ढेर सारा फूल पौधे पे मिल जाएगा। केयर टिप नंबर वन, अगर आपके गुड़हल में ठीक से बहुत दिनों से फूल नहीं आ रहा है तो गुड़हल में जो भी ब्रांचेस है उस ब्रांचेस की टिप को आप लोग 1 से 2 इंच प्रूनिंग कर दो। प्रूनिंग करने से जहाँ पे आप लोग प्रूनिंग कर रहे हो उसके साइड से बहुत सारे न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स भी आएंगे और वहीं से आपको बहुत सारे फ्लावर्स और कलियाँ भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपके पौधे में ठीक से फूल नहीं आ रहे हैं या फिर एक दो कलियां बन रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर अपने पौधे का सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। केयर टिप नंबर टू, दोस्तों अगर आपके एरिया में अभी बहुत दिनों से बारिश हो रहा है या फिर एक दो दिन के गैप में भी बारिश हो रहा है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पौधे के मिट्टी में पानी जमने ना पाए। अगर पौधे की मिट्टी में पानी जमेगा तो पौधे का पत्ता पीला पड़ जाएगा, पौधे में ढेर सारे प्रॉब्लम दिखाई देगा, जैसे कि इसका बड भी झड़ सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। तो ख्याल रखिएगा कि आपके पौधे की मिट्टी में पानी ना जम सके तो आपका पौधे का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और उसमें ढेर सारे फूल भी आप लोग ले पाओगे। केयर टिप नंबर थ्री, दोस्तों बरसात के मौसम में ज़्यादातर गुड़हल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े का अटैक होता है, तो अगर आपके एरिया में 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है या फिर 2-3 दिन के गैप में बारिश हो रहा है तो आप लोग किसी भी कीटनाशक या फिर फंगिसाइड अपने हाथों में रखिए, क्योंकि टाइम टू टाइम कीटनाशक या फिर फंगिसाइड स्प्रे करना पौधे पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए। अगर आप लोग कोई भी फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड पौधे पर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो तो आप लोग इसके बदले में नीम ऑयल का भी स्प्रे पौधे में कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है। तो दोस्तों ये जो 3 टिप्स मैंने आप लोगों से शेयर किया ये आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है अगर आप लोग अपने पौधे का हेल्थ ठीक रखना चाहते हो और पौधे में ज़्यादा फूल पाना चाहते हो। तो अभी मैं आप लोगों से वो वाला खाद शेयर करूँगा जो आपके पौधे में ढेर सारे फूल लाएगा और उसका हेल्थ बहुत ही बढ़िया रखेगा। दोस्तों ये जो खाद आप लोग देख रहे हो ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा एक खाद है, ये एक जैविक खाद है। इसमें प्लांट के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये सभी बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। इस खाद का नाम है चाय पत्ती का खाद। दोस्तों ये यूज़ किया गया चाय पत्ती नहीं है, ये बिल्कुल रॉ चाय पत्ती है। कोई भी वीडियो में आप लोग शायद देखे होंगे कि वो लोग यूज़ किया हुआ चाय पत्ती को पौधे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल रॉ चाय पत्ती यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें प्लांट को जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए आप लोग रॉ चाय पत्ती ही प्लांट में यूज़ करोगे। अब कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों से बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग इसका 1 चम्मच लेंगे और 1 लीटर पानी में घोल देंगे। इस घोल को आप लोग 5 से 10 मिनट रख देंगे, उसके बाद जब पानी का रंग पूरी तरीके से लाल हो जाएगा तब आप लोग उसको, मतलब इस चाय पत्ती को किसी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे।
इसके बाद जो लिक्विड खाद आपको मिला उस खाद को आप लोग अपने पौधे के मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। एक बात का ध्यान रखिए कि पौधे के मिट्टी में खाद अप्लाई करने से पहले पौधे का मिट्टी गीला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सूखे मिट्टी में आप लोग ये वाला खाद यूज करोगे तो आपका पौधा जल भी सकता है। इस चाय पत्ती के खाद को आप लोग 10 से 15 डेज के गैप में अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके यूज करने से आपके गुड़हल में 2x फूल आएंगे और इसके यूज करने से आपके गुड़हल का हेल्थ भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी गुड़हल में ठीक से फूल नहीं आ रहा है तो आप लोग इस खाद को इस्तेमाल करके जरूर देख सकते हो। मैं खुद इसको अपने पौधे में इस्तेमाल करता हूँ और देखिए रिजल्ट तो आपके सामने ही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी और एक प्लांट रिलेटेड वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।